तरारी विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ जो पार्टी है और प्रत्याशी है जनता को लुभाने में, वादे करने में, विश्वास दिलाने में जुट चुके हैं, लेकिन तरारी विधानसभा कहीं ना कहीं एक जगह आकर के हर बार फंस जाता है, वो होता है जातीय विषय। और जातीय विषय को लेकर के जो पार्टी होते हैं, जो दल होते हैं, वो जाति अपने बंट जाते हैं और उस आधार पर प्रत्याशियों का चयन करते हैं। इस बार यहाँ के जो तरारी विधानसभा क्षेत्र के जो वैश्य समाज है वो काफ़ी बेहद ही निर्णायक भूमिका में है। माना जा रहा है कि जो वैश्य समाज है, जिस दल में जाएंगे और जिस दल को के प्रत्याशियों को वोट देंगे, वही यहाँ के विधायक चुने जाएंगे। ऐसे में हम पीरो बाजार के जो वैश्य समाज है उनको एकत्रित किए हुए हैं और इन लोगों की समाज में अहम भूमिका है, और इन लोगों से हम बातचीत करके जानना चाहते हैं कि इस बार का चुनाव आप लोग किस तरीके से करने जा रहे हैं, कैसे प्रत्याशियों को आप लोग चुनना चाहते हैं। हम लोग तो भाजपा को जिताना चाहते हैं। भाजपा कारण कारण के पहले जो विधायक थे तो कुछ किए नहीं। जनता लोग जाते हैं उनके पास तो उस सवाले नहीं सुनते। अच्छा, बात नहीं सुनते, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, मतलब एनडीए प्रत्याशी जो है प्रशांत, विशाल प्रशांत जी, क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रसाद। आप लोग कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं? हम भाजपा और मोदी जी के आदमी हैं। शुरू से हम भाजपा में मारे हैं, आज भी मारेंगे। इस बार माना जा रहा है कि पीरों के वैश्य समाज के लोग निर्णायक भूमिका में हैं, जिस तरफ आप लोग का पलड़ा रहेगा वो प्रत्याशी चुने जाएंगे। नहीं, हम जिस पार्टी में भाजपा कोई भी हो हम उसी में मारेंगे। आप उसी में बस काम, विकास का उससे कोई मतलब नहीं। आपको विकास से मतलब नहीं, मतलब सिर्फ भाजपा से मतलब। क्या नाम है आपका? लल्लू प्रसाद। अगर वैश्य समाज की बात करें तरारी विधानसभा क्षेत्र में या पीरों में, तो इस बार माना जा रहा है कि आप लोग बहुत ही निर्णायक भूमिका में हैं, जिस तरफ आप लोग जाएंगे वो विधायक बन जाएंगे। सही बात, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पिछले बार भी जो हमारे विधायक जी के लड़के खड़े हुए थे, पहले विधायक जी थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, तो बहुत पीरों के लिए विकास किए थे। कोई भी काम रहता था तो एक कॉल सिर्फ काफी था, उसी सब सोच विचार को हम लोग इस बार इनको सपोर्ट करेंगे। हम लोग एनडीए प्रत्याशी। तो लोकसभा चुनाव में वैसे समाज सुदामा प्रसाद के साथ दिया था जी जी, इस बार एनडीए को देगा, सुदामा से माले को साथ नहीं देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, काम नहीं हुआ? कारण ये विकास, सुदामा जी विकास कुछ नहीं, पीरों के लिए 9 साल विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोग को लिए कोई काम? कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आपका क्या मानना है, वैश्य समाज से आप आते हैं, इस बार चुनाव में क्या भूमिका यहाँ पर रहेगी, विकास या जाति? सबसे पहले हम लोग इस बार जात पात को हटा के हम लोग विकास और एजुकेशन पे वोट कर रहे हैं। विकास और एजुकेशन, और हमें यूथ को लाना है ताकि देश को आगे बढ़ाए। अगर हम तीनों एक इंजन की सरकार आने वाली है, हमारे विशाल प्रसाद जी का मोशन है कि इस बार हमें आगे बढ़ना है, युवाओं को आगे करना है, तो इस बार विशाल प्रसाद जी को वोट जा रहा है। पीरू का वैश्य समाज किसके साथ है? हम बोल ही दिए, जात पात की लड़ाई नहीं है यहाँ पर विकास की और रोजगार की बात है। तो आपको क्या लगता है कौन प्रत्याशी है जो ये रोजगार और युवाओं की बात को सुनेंगे? विशाल प्रसाद जी हैं। विशाल प्रसाद, हाँ। राजू जो भी तो अपने आप को युवा बोल रहे हैं। युवा बोल रहे हैं उससे नहीं मतलब है, हमारा केंद्र में सरकार अभी बीजेपी के है, तो बीजेपी अभी वो फंडिंग करेगी ना, दूसरी तो अपोजिशन पार्टी है ही नहीं बिहार में, सेंट्रल में, सत्ता में है। हाँ, तो ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी तो और थोड़ा विकास तेजी से होगा। क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार हुआ। हम यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति से भी बात करेंगे और आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार का तरारी विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज बहुत ही निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहा है, आपका इस मामले में क्या मानना है? हम लोग भाजपा देंगे। भाजपा में क्यों देंगे? भाजपा क्यों देंगे ये तो हम जानते हैं ना, अब किसका बतावे आपसे। विकास मतलब क्या लगता है? हाँ, विकास किए हैं, अच्छा विकास है, ठीक है। अभी समझ में आपको तो नजदीकी से होगा, कौन सा अभी विधायक चुनना सही रहेगा? हाँ, ये आप ये सलाह दीजिए तो हम लोग, हाँ आप सलाह दीजिए, हम विचार करके, अच्छा होगा तो पहले आपका सम्मान होगा। मीडिया नहीं कर सकते हैं सर, आपको चुनना होगा, आपके बीच के लोग हैं। हाँ, वो तो बात ठीक है,
तो बिल्कुल हम लोगों को चुनना ही है, समझ के चुनना है, जो हम लोगों को ऊपर देखे समझे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, उस प्रत्याशी में आपको क्या देखना? वही प्रत्याशी हमको चाहिए जो हमारे यहाँ मेरे दुख दर्द को समझे, विकास का काम करे, किसी को आवश्यकता पड़े तो उसको सुने, कहीं कोई इनवाइट करे तो उसमें फंक्शन में आवे, ऐसा ही विधायक चाहिए। ऐसा विधायक, हाँ बस। तो अभी 9 साल से सुदामा जी यहाँ के विधायक थे, जो अब हमारे सांसद लोकसभा के आरा के सांसद बन गए हैं, तो वो इन सब ये सब चीजें करते थे? नहीं नहीं किए हैं, ना उम्मीद भी रखे हैं। उम्मीद नहीं रखे ना, ना उम्मीद भी नहीं रखे, ना किएंगे ना करेंगे। अच्छा करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं झुकाव एनडीए का झुकाव होगा। क्या नाम है आपका? बिहारी प्रसाद गुप्ता, यहाँ के थोक व्यवसायी हैं खाद के। अच्छा थोक व्यवसायी, आप बताइए क्या व्यवसाय करते हैं पहले ये बताइए। मेरा यहाँ पे स्वर्ण व्यवसाय है। स्वर्ण जी, क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। क्या चाहते हैं? ये मौका आप लोग को एक बार दोबारा फिर से मिला है, तरारी में चुनाव हो रहा है, कैसे प्रत्याशियों का चयन करना चाहते हैं? देखिए सर, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हम लोग के बीच में रहे। अब ऐसा ना हो कि जीत के गए उसके बाद कुछ हता पता ही नहीं रहा, किसी भी तरह का जरूरत हो, मतलब किसी तरह का भी, या तो आपको हॉस्पिटलिटी की जरूरत हो या फिर आपको किसी तरह के फंक्शन में जरूरत हो, कोई अता पता है नहीं उनका। भाई मेरी बात तो कोई अता पता नहीं, 10 साल जीते, आप पूछिए उनसे कि कब आए हुए हैं यहाँ पे पीरो में, शहर के लोगों से कब मिले हैं, किसी तरह के सर खुद भी वैसे समाज से आते हैं, वैसे समाज से आते हैं, वैसे समाज की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है सर। ये तो प्रशांत किशोर साहब, सुनील पांडे जो थे पूर्व विधायक, ये तो हमारे समाज के हैं नहीं, लेकिन हमेशा किसी न किसी तरीके से हमारे सुख दुख में सब में साथ रहे हुए हैं। बिल्कुल, आपको उम्मीद है कि विशाल प्रसाद? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम लोग 100% अपना उनको देंगे जी, हमें वो विचार ऐसा ही बना रहे। तो ये पीरो के वैसे समाज से आने वाले लोग हैं, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, दिन रात ये लोग सड़क पर और आम जनता के बीच में रहते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 9 साल से जो भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, उनके द्वारा विकास का कार्य नहीं किया गया था, वो लोग इन लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होते थे, तो इस बार इन लोगों का कहीं ना कहीं रुझान दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकल एटीन के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।